इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी 3D पार्ट में एक्सिस कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हम एक 3D पार्ट बना लेते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करें, स्केच। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करें। लेंथ 60 mm, एंटर। विड्थ 40 mm, एंटर। और एक 3-point आर्क ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें ये आर्क और ये लाइन और रिलेशन मेक टेंजेंट, और इस लाइन पे क्लिक करें और मेक कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसे 3D पार्ट में कन्वर्ट करें। तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसका थिकनेस 60 mm, एंटर। ओके कीजिए। अब हम इसमें एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें, रेफरेंस ज्योमेट्री के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और एक्सिस पे क्लिक करें। एक्सिस में 5 टूल दिया गया है, हम एक एक करके सीखेंगे। पहले हम वन लाइन या एजेस या एक्सिस से एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए एज। तो हम ये एज सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए एक्सिस इंसर्ट हो गया एक्सिस। अब हम टू प्लेन से एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो टू प्लेन पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें और इस एरो पे क्लिक करें, सेलेक्ट कीजिए प्लेन। तो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और दूसरा हम राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए एक्सिस इंसर्ट हो गया एक्सिस। अब हम टू पॉइंट्स या वर्टेक्स से एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो इस पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए पॉइंट। तो हम एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए एक्सिस इंसर्ट हो गया एक्सिस। अब हम सिलेंड्रिकल या कॉनिकल फेस से एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो इस पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए सिलेंड्रिकल फेस। तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए एक्सिस इंसर्ट हो गया एक्सिस। अब पांचवा पॉइंट एंड फेस या प्लेन से एक्सिस इंसर्ट करेंगे। तो इस पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें, सेलेक्ट कीजिए पॉइंट। तो हम ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कीजिए फेस। तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए एक्सिस इंसर्ट हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।